और विधानसभा का मानसून सत्र आज काफी खास रहा और इसकी वजह बना विधानसभा का वो शक्ति सम्मान जिसके तहत आज सदन की कार्रवाई पूरी तरह से महिला विधायकों के नाम रही, जहां महिला विधायकों ने सदन में लोगों के सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाए और महिला सशक्तिकरण को लेकर अपनी बात रखी। अभिनंदन भी करती हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया। महिलाओं और बालकों के चतुर्मुख विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प होकर कार्य कर रही है। 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणाएं की थी, जिनमें से उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकारी नौकरी अभी तक दे पाए हैं। जिस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं ये बहुत ही दर्दनाक है। हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, दूरी नहीं कोई हमें समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। 22 सितंबर का दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि आज सदन की कार्रवाई का पूरा दिन महिला विधायकों के नाम रहा। महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर महिला विधायकों ने अपनी बात रखी और सरकार से सवाल किए। मेरा बड़ा सीधा सा प्रश्न था कि क्या सरकार जो किसानों की आय के सापेक्ष जो बढ़ी है, जो दुगनी हो गई, जो उनकी लागत दुगनी हो गई, क्या उसके सापेक्ष प्रस्ताव करेगी कि यहाँ पर उसको बढ़ाया जाए, उसके इसको रिवाइज किया जाए। मानसून सत्र की शुरुआत में ही 22 सितंबर का दिन महिला विधायकों के लिए तय हो गया था, ताकि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की महिला विधायकों को भी अपनी बात रखने का समय मिल सके। मौजूदा वक्त में विधानसभा में करीब 47 महिला विधायक हैं। ऐसे में हर सदस्य को सदन के भीतर बोलने का निर्धारित समय दिया गया। छात्र छात्राएं जो ग्रेजुएट हैं वो भी बेरोजगार होकर घरों पर बैठे हैं, उन्हें अगर प्राइवेट नौकरियां भी दी गई हैं तो वो बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। पूर्व में पहले सरकार द्वारा दावा किया गया था कि वो 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणाएं की थी, जिनमें से उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकारी नौकरी अभी तक दे पाए हैं वो।